किसी की चुगली मत करना, क्योंकि चुगली करना बहुत बड़ा अपराध है। यदि आपने किसी की चुगली की है और लाख रुपए का दान दिया, धूड़ के बराबर है। चुगली करी दान दियो, धूड़ बराबर। किसी की चुगली, किसी की आलोचना करना बहुत बड़ा अपराध है। बिना तीन लोक में भी जगह नहीं है। आप किसी की निंदा करते हो, किसी के बारे में गलत लिखते हो, गलत बोलते हो, इससे बड़ा अपराध धरती पर नहीं है। और उन आदमी ने घर में तो कही है साहब, तीन लोक में भी जगह नहीं। कीड़ारी नारगी में भी जगह कोने में, कीड़ारा कुंड में भी उस आदमी को जगह नहीं है। इसलिए कभी किसी की निंदा मत करना। महात्मा लिखे कि दुनिया में आया हो, कहीं कर लो आपने और कहीं कर लिया। माँ बाप ने जीवता तो ठोके डांगा, यार मरिया पछी देवे अंगूचो नाग माता है लंबी लंबी। जीवता ठोके डांगा, यार मरिया पछी देवे लंबी लंबी। अंगूचो नागियो माता माते नाडी पाल माते एक लोई रोवे। पैसा धोखो देगा, क्यों पैसा जैसे भी लेगा, पैसा कह रहे धोखो देगा। पैसा तो उधर गए टंटे थारे पर जो मर जाता चौमासा में कड़कड़ रात यहाँ की जलमे रहे। तो माँ बाप की हीड़ा नहीं करे, सेवा नहीं करे, साहब सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं धरती पर। आप करोड़ों रुपया दिया वाला गौशाला में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपने खरबों की राशि दी होगी गौशाला में, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने माता पिता की सेवा की थी, वो कागज में लिखा जाएगा, पहले वो फिर वो दान दिया हुआ। पहले सेवा लिखी जाएगी कि आपने माँ बाप की सेवा की थी होगी। इसलिए जो भी मेरे युवा साथी है जिन्होंने अभी धीरे धीरे अपना मार्ग चेंज कर दिया, जो एक्सप्रेस हाईवे थी अब लोकल में ले गए, उनसे मेरा निवेदन फिर एक्सप्रेस पर लिया हो। अभी भी टाइम है, 21वीं सदी लगी है। माता पिता की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है धरती पर, क्योंकि जन्म दियो जगह की सेवा नहीं है। यार गौशाला में भली करोड़ों की बोलियां लगावाना कोई फायदा उबाड़ो, पहले सेवा माता। और क्योंकि माता तीर्थ, पिता तीर्थ, तीर्थ ज्येष्ठ बंधवा, चौथा तीर्थ अभी आगे शास्त्रों में लिखा है। माँ का तीर्थ, पिता का तीर्थ, तीर्थ ज्येष्ठ बंधुआ बड़ो भैरो तीर्थ, बड़ा भैरा दर्शन विजयाना भगवान मिले, इतो मोटो तीर्थ बड़ा भाई को, तीर्थ ज्येष्ठ बंधुआ। और चौथा तीर्थ अभ्यागत, एक अभ्यागत है जिसे कोई आगे ला रहे को हारो नहीं, बोलन चलन की उठन बैठन की हिम्मत नहीं, बिना दान दियो बहुत बड़ो गुण क्रिया करे। ये चार तीर्थ शास्त्र में, उसके बाद एक गौदान है। एक गौदान तो अब हरू गया है, राजा दिलीप री टेमू गया दान हरू गया, बाकी एक जगह तीर्थ जगह पुरान टेमू हरू गया। ये गयाला दान तो अब हरू गया, ये बूढ़िया बैठा ने पूछो, ये 10-15 बार भी आप पोस्ट या सफाई सफाई एक शाम गौ माता के नाम अब हरू भी है। और नव चाड़ो निकलियो अभी 10-15 बार नहीं करा देने बचाई गुण गया ने ये वास्ते पोस्ट सफाओ ने लोगों ने ध्यान केंद्रित वे भाई अटे खासा मीनक भेड़ा वे जन चोरा मत जगह जगह प्रचार करा अटे मीनक खासा भेड़ा हुई ने कोई कोई 5 रुपया पुण्य में दई। इस वास्ते सबसे बड़ा पुण्य माता। और जीवता ठोकी डांगा मरिया बच देवे लंबी लंबी बांगा। अबे बाप ने कभी जिंदगी में होगरो ही नहीं जिमाया, कदी गवार पड़िया रो हागरी मनवार नहीं करी, राबड़ी रो बाट को लार कदी बाजी ने कौन पिलायो। यार मरिया बच गया नहीं सा बाट में डेरी को गिल यार बड़े नुक्ति चौकी करूं मैं, क्यों दूर उड़ा किरे करी नुक्ति चौकी, थारो बाप तो मर गो राबड़ी खातर किने जिमावे तू नुक्ति चौकी। बोले बैगनाई तने, ओ हो हो तेरी बापरी वजह बैगनाई भूखा बैठा अतः दिन में जिमे ही कौन है। ये सब अपनी जीव का स्वाद है। इसलिए माता पिता को भरपेट भोजन मिले, वही सबसे बड़ी संतान। मैं तो उसको शरण कुमार मानता हूँ। इस धरती पर वही शरवण है जो माँ बाप ने दो वक्त प्रेम बोले, रोटी जिमा दे, पानी को लोटो पिला दे, वो शरवण है। मेरी नजरों में सबसे बड़ा शरवण वही है। नाम भले कुछ भी वो लक्षण शरवण जैसा है। अब सेवा ही नहीं करे, 12 महीनों भेरू हराध करी, ओ हो हो 10 लाख रो खर्चो कर दियो गंगाजल में, अब करी बाजीरो हराद हराद आवे ना हराद। अब देखा उनाला खीरन पुड़िया मालपुआ खीरा एक बाजी रे, बाजी ने 12 महीना पहले हरिद्वार गाल दिया शीशी में। 12 महीने पर बाजी ने फाचा इन्विटेशन, माय फादर इज कमिंग सोन 18 फॉर शराब इज माय होम। यार कहीं बाजी ने किया रूप में बुलाई, कागला का रूप में कागला में गया जन तो बाजी मीने कहा अपने औलाद बनाई दियो के बोर। देखो लकीन आदमी दिल्ली तीन पड़का पड़ता जगह प्रमोशन हुई, अपने बनाई दियो कागलो थाली में इतनी इतनी लापसी, 2 बीड़िया, 1 तुड़िया की पेटी, 1 मिराजरी पूड़ी डागले ले जाए प्राण थाली में रखी लापी। छोरा ने कही नहीं करो बाबा आवे, क्यों बाबा कोई नरेगा मेट है। बाबा ने गया 12 महीने बाबा अड़े अड़ी के थारी भिंडी बात है। छोरा बेटा छोट गया कुरकुरा छिड़िया डागड़े, मम्मी मम्मी दादा आई दादा दादा का दर्शन करा, दादो फोटू मत माड़ा टाइम भीत मत पड़ियो तो ही छोरा छटका डागड़े। उन दिन सजनो कागलो तो कोनी आयो, दादा तो आया कौन, क्यों दादा इज बीजी जो दादा रो परमिशन भी कागला पड़ गया दादो उगो बीजी। उन दिन कागले तो कोनी आयो, यार बा आएगी छरबलाई, छरबलाई केवल टिलोडिन गई गयो हावा छरबलाई बापरी भूखी भिंडी भिंडी आएगी आर लापसी जीवन लागी। क्या छोरा हको करियो, मम्मी मम्मी दादा तो कोनी आया, बू आया बू।
दुनिया बोली है बोली, परगर खेले, परगर खेले होली, दूध पोता सा लेकर नाग पूजन में जावे, फिर अगला गोगो जी घर में आवे जड़े होटारी हाँ बटारी मूर्ति मत कैसे अकाउंट जी गोगो जी मुंजोड़ा बेटा छाट देंगे ये भाव जी ये काली फूच लिया अंधारा में लाज राख जी यार बेटो ये दिन रसोई में कहीं गोगो जी ने उड़िया हो कटे हो बाजार में अरे हटके होने काली फूच लिया आयो भाई अतोड़ो पड़ोस जान करू कशी लेते आयो कहीं गोगो जी री माकड़ी भांगी लू आ दुनिया बोली है बोली परगर खेले होली आज का ये जागरण गऊ माता के नाम का जागरण है और हम सबको विदित है पता है ज्ञात है कि गौ माता के नाम का जागरण कराने का महत्व क्या है क्या उद्देश्य हमारा आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं अपना उद्देश्य है हमें अपनी गौ माता को बचानी है अपने अपने इस परदेश पर कामधेनु गौ माता को बचानी है इसलिए ये जागरण गांव गांव में दिया जा रहा है कैसे भी करके 12 महीने तक मेरी गौ माता के लिए व्यवस्था हो जाए चारे पानी की रहने की बैठने की उठने की इसलिए हर गांव में एक शाम गौ माता के नाम एक शाम गौ माता के नाम अब कई मन में सोचता वेला कहीं पर्दा छपाया कहीं हरू करिया तो मैंने मारो निवेदन है कि कहीं लाख हाँ ओड़ी कटार देखो जगह बात करे ना कहीं डडो पकड़ियो है काले खुड़ी में राज पावा में राज गोठड़ी में काले जूसरी में गांव गांव हरू गया रामलीला भेजियो तो मैंने मारो निवेदन है बीगो खांड जमड़ी देव देगा जमी मत होते तो बीगो खांड बीड़ो दे दो 12 महीना बात तो छिंका आज बीड़ो कोई दी लीजिए मराला रोड़ा कट जरा मोरमा जरा ले इसलिए मेरे गौ भक्तों से मेरा निवेदन है आज का जागरण गौ माता के नाम का जागरण है मुझे यहां इसलिए बुलाया है कि भाई साहब आप लोगों का दर्शन भी हो जाएगा और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परिवार का आप लोगों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है और आप लोगों के नाम मैं उच्चारण करूंगा तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी कि मैं आपके आपके और आपके पिताजी के नाम का उच्चारण करूंगा और वो राशि बोलेंगे जो किसी ने मन में भी नहीं सोची होगी अभी 3 दिन पहले हमारा जागरण था खुड़ी पावा में खुड़ी पावा मांगड़वा लोग सोचो भी को नहीं करता पिया अजेला सुबह कई जना ने देश ड्यूटी वेगी कई जना ने उल्टियां वेगी उल्टियां ऐसा पिया कटवा आएगा मैं रात का लिया बैंक मुकदार 35 लाख रुपया 35 लाख छोटा सा गांव है तालियां बजाए उस नगरी के लिए खुड़ी गांव के लिए यहाँ पधार भी होंगे खुड़ी वाले निमंत्रण भी दिया आयोडा ना खुड़ी वाला क्या बात है वेल्डन वेल्डन हाँ आज गोल टोपी का गोल टोपी वाले भाई साहब हाँ भाई साहब जगह खड़ा बार निवेदन है अरे पंडाल खाली पड़े हो इस पंडाल में आप बैठ जाए बार बार आपसे करबद्ध विनती कर रहा हूं या तो आप बैठ जाए या फिर 51,000 की होली कटा के ऑन द वे फ्रॉम योर होम अच्छा कार्यकर्ता हो गया पीछे धन्यवाद इनको बिठाने का कष्ट करवाया ये आपके लिए हमारे लिए अतिथि है 109 रुपया लीटर को तेल बाढ़ आया बिठा हुआ थोड़ा तेल ही मूंगो कर दो कहीं जागरण में जमा पड़ा है एक बोतल का 109 रुपया लागे